तो अब बात कर लेते हैं कुछ सियासी खबरों की। गृह मंत्री अमित शाह 28 से 30 अक्टूबर तक 3 दिनों के मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमित शाह 10 संभागों का दौरा करेंगे और सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से बात भी करेंगे। गृह मंत्री उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन और रोड शो भी करेंगे। तो एक बार फिर से अमित शाह मिशन एमपी पर आने वाले हैं, राजनीति के चालक एक बार फिर से एमपी के दौरे पर, क्योंकि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। चुनावी बिसात बिछाने के लिए एक बार फिर से अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर 3 दिन तक मंथन महामंथन होगा। 10 संभागों का दौरा करेंगे अमित शाह। चुनावी कैंपेन की कमान अमित शाह ने खुद संभाली है। आपको याद होगा जब टिकट वितरण की बात होती थी, लगातार अमित शाह दौरे करते थे और जब टिकट बट गए हैं, प्रचार की बात है, तब भी अमित शाह मध्य प्रदेश में हमें नजर आने वाले हैं। और हमेशा से ही बीजेपी का फोकस कार्यकर्ताओं को लेकर रहा है, कार्यकर्ताओं में अपने रिश्तों को मजबूत बनाने का रहा है और इसीलिए 230 विधानसभा के कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे अमित शाह। चुनावी अभियान है और चुनावी अभियान में सभी नेताओं की कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, तो सभी लोग इस चुनाव को ऐतिहासिक चुनाव बनाने में जुटे हैं और ये चुनाव प्रत्येक बूथ पर लड़ा जाने वाला चुनाव है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व अथक मेहनत के साथ, अथक परिश्रम के साथ मैदान में उतरा है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से। केंद्रीय मंत्री अमित शाह 3 दिन तक मध्य प्रदेश में डेरा डालने वाले हैं। अमित शाह जी रहेंगे और लगातार अमित शाह जी मध्य प्रदेश के दौरे पर पहले भी आए हैं। 3 दिन लगातार अभी सभी संभागों की बैठकें और उनकी जनसभाएं मध्य प्रदेश के अंदर अभी 28, 29, 30 को होंगी। बालाघाट में चौंकाने वाला मामला सामने आया। दरअसल बीजेपी ने बालाघाट विधानसभा से महाकौशल के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन की बेटी मौसम बिसेन को